आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं दो ऐसे एनिमल्स को कंपेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी एनिमल तुम्हारे सामने आ गया तो तुम बोलोगे, अरे हमारी गांड फटी हुई है। एक तरफ है किंग ऑफ एनिमल्स द लायन, और दूसरी तरफ है फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड द चीता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक है, और अगर इन दोनों में कभी फाइट हुई तो कौन जीतेगा। So without wasting any time, चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। शुरुआत करते हैं जंगल के राजा से। एक शेर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, ये लगभग 80 किलोमीटर प्रति हवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसका साइज 1.7 मीटर से 2.5 मीटर तक हो सकता है। एक लायन की लाइफ स्पैन 10 से 14 ईयर्स होती है, मतलब एक लायन 10 से 14 साल तक जिंदा रह सकता है। लायन का वेट 190 से 250 किलो तक हो सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। एक लायन का वेट ह्यूमन से 2.5 टाइम ज़्यादा होता है, और इतना वेट होने के बावजूद भी एक लायन आराम से ह्यूमन से 3 टाइम ज़्यादा जंप कर सकता है। बेसिकली लायंस ह्यूमन से 7.5 टाइम ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एक लायन डेली 18 से 20 घंटे तक सो सकता है, और एक बार चिकन डिनर कर लेने के बाद, मेरा मतलब है अपना पेट पूरी तरह से भर लेने के बाद, ये 24 घंटे तक भी सो सकता है। लायंस अक्सर 15 मेंबर्स या उससे ज़्यादा मेंबर्स के ग्रुप में रहते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। ये ज़्यादातर अपना शिकार रात में करते हैं, इससे उन्हें शिकार करने में आसानी होती है, और इनके शिकार अक्सर ज़ेबरा, एलिफेंट और हिप्पोपोटामस जैसे एनिमल होते हैं। पहले लायंस एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाए जाते थे, लेकिन अब ये आम तौर से सहारा के साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी टाइगर, लायंस जैसे एनिमल पाए जाते हैं, वो सब कैट की फैमिली में आते हैं, और लायन के पास सारी कैट फैमिली में सबसे बड़ा ब्रेन है। लेकिन टाइगर को छोड़कर लायंस के पास एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी होती है, और वो है रोर। अब इस एबिलिटी का यूज़ लायन किसी को डराने या अपनी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए करते हैं। गाइस, ये तो बात कर ली हमने लायन की, अब मूव करते हैं उसके अपोनेंट चीता की ओर। एक चीता 100 से 120 किलोमीटर प्रति हवर की रफ्तार से दौड़ सकता है, और अपनी इस एबिलिटी की वजह से ये एनिमल बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका साइज 1.1 मीटर से 1.5 मीटर तक होता है। एक चीते की लाइफ स्पैन 10 से 12 ईयर्स होती है। चीते का वज़न 21 से 72 केजी तक होता है। बात करूँ स्ट्रेंथ की, तो चीते के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, लेकिन कंपेयरिंग टू लायन ये बहुत कम है। एक चीता डेली 12 आवर्स तक सो सकता है। ये अक्सर अकेले या पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। ये डे लाइट हंटर होते हैं, मतलब ये अपना शिकार दिन में करना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ स्पीड। ये अक्सर अपना शिकार छोटे या हिरन जैसे एनिमल का करते हैं। लगता है ये सलमान भाईजान के बड़े वाले फैन हैं। चुप, चुप, बिल्कुल चुप। चीता ड्राई फॉरेस्ट और रेगिस्तानी जैसे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इनके पास रोरिंग एबिलिटी नहीं होती है, पर उसके जगह पर ये याउलिंग का यूज करते हैं, जो ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होता, लेकिन काम चल जाता है। अब मैंने इनके फाइट के दो कंक्लूजन निकाले हैं, जिनमें से एक तो हम सबको पता है, लायन आसानी से जीत जाएगा बिकॉज ऑफ हिज हंटिंग एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। लेकिन एक सेकेंड कंक्लूजन ये भी है, चीता लायन को जीतने नहीं दे सकता है। अपनी स्पीड का यूज करके चीता 3.4 सेकंड में 60 माइल्स की स्पीड पकड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर लायन ही जीतेगा। और ध्यान रहे कि यहाँ मैंने कंपैरिजन मेल्स को रखकर किया है, क्योंकि औरतों का काम लड़ाई करना नहीं, बल्कि हम लड़कों का खून पीना होता है। अबे साले, माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, और पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर काले हिरन का शिकार कर लो। चुप, बिल्कुल चुप। तो जब से मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Don't you dare say it, Jack!